नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस के ये नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं साबरमती रिवर फ्रंट से, जहां पर दोस्तों इसको और पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड को दे दिया है और इसके अंतर्गत साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर एक एंटरटेनमेंट हब को डेवलप किया जाएगा। दोस्तों एंटरटेनमेंट हब अपने आप में साबरमती में काफी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा, क्योंकि कई सारे इंडोर और आउटडोर अट्रैक्शन यहाँ पर बनाए जाएंगे, जैसे कि ग्रीन प्रोमिनेट्स, वाइब्रेंट पार्क्स, एक स्नो पार्क, फ्लाइंग कराउजल राइड, ड्रॉप टावर, एक डेडिकेटेड प्ले एरिया, फूड प्लाजास, स्टेट ऑफ द आर्ट एम्फी थिएटर, ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनकर तैयार होनी है। टोटल 11 एकड़ के एरिया में फैले होंगे और 130 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी। अटल ब्रिज के ईस्ट साइड पर इसको सेटअप किया जाएगा और अभी लोनावला में जो इमेजिका का अम्यूजमेंट पार्क है, उसी तरह का आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस यहाँ पर लोगों को मिल पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आ रही है हमारे नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ पर दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है और इस स्कीम के लिए 10,037 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट शुरू से ही हमारे देश का एक नेगलेक्टेड एरिया रहा है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पर हो नहीं पाया है, लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि जो स्कीम अप्रूव की गई है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप है। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट ए के लिए 9,737 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं, जिसके अंतर्गत फर्म्स को इंसेंटिव बांटे जाएंगे इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने पर, जबकि पार्ट बी के लिए 300 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं और इसका इस्तेमाल इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के ऊपर होगा। हमारी गवर्नमेंट को उम्मीद है कि 2100 से ज़्यादा एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज को लेकर उनके पास इसके थ्रू आएंगी और 83,000 से ज़्यादा जॉब भी इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। DPIIT को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग स्टेट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अगली दोस्तों अपडेट आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जहाँ पर दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तेलंगाना के टी हब के बीच में एक और MOU साइन किया गया है AI को लेकर, और इसके अंतर्गत दोनों मिलकर तेलंगाना में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक नई टेक्नोलॉजी हब को सेटअप करेंगे। दोस्तों टेक्नोलॉजी बेसिकली बनाई इसलिए जाएगी ताकि देश में AI इनोवेशन को और फास्ट पेस पर डाला जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में देश में जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात यहाँ पर की जा रही है और हर साल इसके थ्रू 500 से ज़्यादा AI जॉब्स और 150 से ज़्यादा जो AI स्टार्टअप्स हैं उसको नर्चर करने का प्लान बनाया गया है। इस टेक हब में इनिशियली GPU कैपेबिलिटीज वाला एक मिनी डेटा सेंटर, AI एजुकेशन के लिए एक AI लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और AI एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेटअप किया जाएगा और धीरे धीरे जैसे बनता रहेगा और ऑपरेट होता रहेगा, वैसे वैसे नई फैसिलिटीज़ को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को फाइनली अप्रूवल दे दी गई है और इसके लिए आप कह सकते हैं कि हमारा जो 2 दशक लंबा ड्रीम था फाइटर जेट्स को लेकर, वो अब कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों पिछले 2 डेकेड से हमारी DRDO ट्राई कर रही है कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसको अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि पिछले 2 दशकों के दौरान हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोग्राम को उस लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड किया नहीं गया है जिस लेवल पर चाहिए था। लेकिन अब इसके लिए पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम अप्रूव किया गया है, 15,000 करोड़ रुपीज इसके लिए सैंक्शन किए जाएंगे, जो कि मेनली डिजाइनिंग और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किए जाएंगे। DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी HAL और हमारे देश की जो प्राइवेट डिफेंस फर्म्स हैं उनके साथ में मिलकर इसको डेवलप करेगी और जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन तो हमें फ़ौरन ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अभी दुनिया में सिर्फ 4 ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 2 अमेरिका के पास हैं, 1 चाइना के पास है, जबकि 1 रशिया के पास है। कई सारी कंट्रीज को डेवलप करने में लगी हुई हैं और अभी भारत का नाम भी इसमें शामिल हो जाएगा। इनिशियली हमारी इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि इसके वो 7 स्क्वाड्रन को ऐड करेंगे, जिसमें 2 तो ऐसी होंगी जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि रिमेनिंग 5 ऐसी होंगी जिसमें जो इंजन्स होंगे वो स्पेसिफिकली भारत में किसी फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर बनाए जाएंगे और भारत में ही उनको डेवलप किया जाएगा। बस उम्मीद यही है कि आगे चलकर अभी जो प्रोग्राम है इसके थ्रू हमें देश में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट आ रही है एक नई टनल से, जहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में या फिर फार फ्लंग एरियाज में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाते हुए सेला टनल यहाँ पर हमारी BRDO के द्वारा बनाकर कंप्लीट कर दी गई है और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। दोस्तों सेला टनल आप कह सकते हैं कि देश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये तवांग रीजन को गुवाहाटी से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा और तवांग एक ऐसा रीजन है जिसको चाइना हर समय क्लेम कर रहता है कि ये उसका पार्ट है। 13,000 फीट की एल्टीट्यूड पर इसको बनाया गया है। सेला पास के पास 2 टनल्स और 1 लिंकर रोड का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 1 टनल की लेंथ 980 मीटर के आसपास है, जबकि 2 टनल की लेंथ 1.5 किलोमीटर के आसपास है और इस बड़ी टनल में स्केप टनल भी बनाई गई है। दोनों टनल्स को कनेक्ट करने के लिए 1200 मीटर लंबा एक लिंक रोड भी बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से ग्रीनफील्ड है और क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी ज़्यादा एक डिफिकल्ट टास्क था, तो ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स और एडवांस
ऑस्ट्रियन टनलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल इसके लिए किया गया है। तेजपुर से तवांग के बीच में अभी जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इस टनल के चलते ऑलमोस्ट एक घंटे तक तो कम हो गई होगा। साथ साथ इनके बीच में ओल्ड वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल पाएगी जो अभी तक नहीं मिलती थी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों प्रोएक्टिवली काम करते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर प्लांट्स को लेकर लैंड अलॉट कर दिया है और इसके लिए आप कह सकते हैं गुजरात में ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ रुपये तक की इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर सेक्टर में होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आज से जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1.26 लाख करोड़ रुपीज़ के सेमीकंडक्टर प्रपोजल्स को अप्रूवल दी गई है, जिसमें से 91,000 करोड़ रुपीज़ का एक चिप प्लांट टाटा के द्वारा धुलेरा में सेटअप किया जाएगा और इसके लिए अभी गुजरात गवर्नमेंट ने 160 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट कर दी है। 48 नैनोमीटर और 65 नैनोमीटर के चिप्स यहाँ पर टाटा प्रोड्यूस करेगा। ताइवानीज कंपनी TSMC के साथ में मिलकर पर मंथ 50,000 वेफर्स यहाँ से प्रोड्यूस हो पाएंगे। सिमिलरली CG पावर, जिनका प्लान सानंद में बनकर तैयार हो रहा है, उनके लिए भी टाटा ने 28 एकड़ ऑफ लैंड को अलॉट किया है और ये एक ATMP फैसिलिटी होगी जहाँ पर 7600 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी। और क्योंकि अभी लैंड भी अलॉट कर दी गई है तो कहा से जा रहा है कि 13 मार्च को इसका फाउंडेशन रखने का काम कर दिया जाएगा दोनों फैसिलिटीज़ का, जो ये शो करता है कि गुजरात गवर्नमेंट कितना फास्ट और सीरियसली नई इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काम करती है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले इसको अप्रूव किया गया था और अब लैंड भी अलॉट कर दी गई है। एक बार जब ये सेमीकंडक्टर प्लांट्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो डायरेक्टली 25,000 से 30,000 जॉब्स इनके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट आ रही है अमेरिकन सेमीकंडक्टर फर्म क्वालकॉम से, जहाँ पर दोस्तों देश में उन्होंने एक और डिजाइन सेंटर बनाकर तैयार कर दिया है और 14 मार्च को क्वालकॉम के CEO के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाना है। दोस्तों क्वालकॉम ग्लोबली जानी जाती है उनके सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए। स्मार्टफोन्स में तो बड़े स्केल पर इनके जो चिप्स हैं उनका इस्तेमाल होता है और क्योंकि भारत US के बाद इनके लिए सेकंड लार्जेस्ट R&D बेस है, तो इसी कारण भारत में वो टाइम टू टाइम उनका जो एक्सपांशन का काम है वो करते रहते हैं। अभी बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा इस तरह की सिटीज में उनके R&D सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे देश में 17,000 लोग इनके सेंटर्स में काम कर रहे हैं और अभी इनका कहना है कि वो भारत में चिप्स की प्रोडक्शन के बजाय चिप्स की डिजाइनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग ऐसे है जहाँ पर भारत बहुत बड़ा अचीव कर सकता है। क्योंकि ओवरऑल सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में जो ग्लोबली टैलेंट है उसका 20% टैलेंट आपको भारत में ही देखने को मिलेगा, तो हमारे पास सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग को लेकर काफ़ी स्किल्ड वर्कफोर्स है। उसी को यूटिलाइज करते हुए ये देश में टाइम टू टाइम नए नए डिजाइन सेंटर सेटअप करते रहते हैं। अभी चेन्नई में इन्होंने नया बनाया है जिसके ऊपर 177 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की गई है। सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ वो काम करेंगे। उम्मीद है कि ये आगे चलकर देश के सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़े स्केल पर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट आ रही है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर, जहाँ पर दोस्तों NHRCL के द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत एक ओवर ब्रिज को कंप्लीट कर दिया गया है मोहर रिवर के ऊपर। और इसी के प्रोग्रेस को देखते हुए हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि वो कॉन्फिडेंट है कि 2026 में अगस्त के आसपास देश में बुलेट ट्रेन आपको स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये काफ़ी डिले चल रहा है, NHRCL के अकॉर्डिंग इसका अभी ओवरऑल 40% काम कंप्लीट हो चुका है इस ब्रिज को इंक्लूड करने के बाद, जिसके लेंथ अराउंड 160 मीटर के आसपास है। गुजरात में 48.3% जबकि महाराष्ट्र में 22.5% काम कंप्लीट हो चुका है। और क्योंकि गुजरात में लैंड एक्विजिशन पहले कंप्लीट हो गया था तो जो गुजरात पोर्शन है वो सबसे पहले खुलेगा, 2027 तक उसको ओपन करने की प्लानिंग की जा रही है। और इसमें से भी 50 किलोमीटर का सेक्शन सूरत से बिलीमोरा के बीच उसको 1 साल और पहले ओपन करने की बात की जा रही है 2026 में अगस्त के आसपास। इस 50 किलोमीटर के सेक्शन पर अभी जो वायर का काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। रिसेंटली जो ट्रैक बेड इंस्टॉल करने का काम था वो स्टार्ट हो गया है। इसी महीने के अंत तक हमारी NHRCL 6 शिनकांसन को प्रक्योर करने के लिए डील भी कंक्लूड कर देगी और अगर सब कुछ हमारी रेलवे या फिर NHRCL के प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो आपको इस 50 किलोमीटर के सेक्शन के ऊपर बुलेट ट्रेन अगले 2 साल के अंदर अंदर स्टार्ट होती दिखाई देंगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है दमन एंड दीव से, जहाँ पर दोस्तों फिशिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करते हुए दमन एंड दीव के PWD डिपार्टमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो एक नए फिशिंग हार्बर को यहाँ पर बनाएंगे और इसके लिए अभी टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। तो उसे फिशिंग हार्बर एक स्टेट उदार फिशिंग हार्बर होगा जिसको दमन एंड दीव के वनकबारा में बनाया जाएगा। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग हॉल, ऑक्शन हॉल, आइस फ्लेक्स प्रोडक्शन यूनिट, बोट मेंटेनेंस यार्ड, जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक रूम, फायर सेफ्टी बिल्डिंग्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, स्टोरेज टैंक्स, ऐसी जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज होती हैं वो सब यहाँ पर बनाई जाएंगी। 73.22 करोड़ रुपीज़ के ऊपर खर्च किए जाएंगे और क्योंकि अभी टेंडर फ्लोट कर दिया गया है तो PWD डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले 24 मंथ्स के अंदर अंदर ये फिशिंग हार्बर बनकर तैयार हो जाएगा। तो सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।